आए दिन कोरोना से तंग आकर के लोग भुखमरी को लेकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को काउंसिल करने का काम शहर की डॉक्टर वैशाली राउत कर रही है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इन्होंने आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर वैशाली आगलावे राउत मैडम है। उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार लोग आत्महत्या क्यों करने पे उतारू हुए है। साथ ही साथ में आयुर्वेदिक समुपदेशन सम्मोहन तज्ञ डॉक्टर वैशाली राउत इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राउत मैम, ये बताएं कि अब तक के कोरोना कार्यकाल से लेकर उससे पहले भी आपने कई समुपदेशन यानी काउंसलिंग के कामकाज किए, जिससे जो परिवार जो कहीं ना कहीं बिखरते हुए जो नज़र आ रहे थे वे अभी एक सूत्र में अच्छा कामकाज कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि काउंसलिंग करना कितना ज़रूरी है। एक्चुअली काउंसलिंग करना तो इतनी ज़रूरत है कि सबके लिए काउंसलिंग ज़रूरत है, मतलब प्यून से लेकर पीएम तक काउंसलिंग की आज की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक इंसान डिस्टर्ब है। दिखता है आगे से अपन को हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन अंदर से इतना पोखरा हुआ है कि समझ में नहीं आता कि कौन कब आज मिल रहा है, कल नहीं है वो। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, अभी तो था हमारे साथ, या कल ही बात हुई हमारी, वो तो हंस रहा था या वो टेंशन में नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर न्यूज़ आती है दूसरे दिन कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो वो बात कर नहीं पा रहा है किसी और से अपने दुख जो है। एक्चुअली कैसा होता है कि ज़्यादा पढ़ाई भी उसके लिए बहुत ही हो रहा है, क्योंकि वो उस टाइप का ना जॉब है लोगों के पास, और कोरोना के वजह से क्या हो रहा है कि पूरा बिजनेस ठप हो गया, छोटे से लेकर बड़े तक सब डिस्टर्ब हो चुके हैं। उसमें से जब हम लोग बाहर रहते अपने जॉब में रहते तो एक रिलैक्स रहते, पता रहता है कि हम इतना काम कर रहे तो इस काम से हमारा घर चल जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से पूरे काम ही ठप पड़ गए। और एक मध्यम वर्गीय लोग, हम सोच रहे थे कि शेतकरी या मध्यम वर्गीय सुसाइड करता था, लेकिन ये बात खाली आर्थिक ही नहीं है, आर्थिक रहती तो खाली गरीब लोग ही सुसाइड करते। यहाँ पे खासदार कर रहे, वकील कर रहे, डॉक्टर कर रहे, तो हम इस बात पे सोचना चाहिए कि गलत कहाँ पे हो रहा है, कुछ तो भी गलत हो रहा है कि मैम। जब ये बताए कि जब आप काउंसलिंग करने जाती हो तो उनके परिवार या जिनका काउंसलिंग कर रहे हो ऐसे व्यक्ति के मन में क्या चलते रहता है उस समय में? एक्चुअली काउंसलिंग का प्रॉब्लम लेके ही आते हैं अपने पास, अगर हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है तो वो लेके आते हैं कि हमारा नहीं हो रहा, या डिवोर्स तक आ जाता है उन लोगों का। तो रीज़न बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, बात करेंगे बाहर या टाइम नहीं देते, उस टाइम पे आना चाहिए जिस टाइम पे घर में आना चाहिए, बीबी रहती है घर पे तो शाम का टाइम फैमिली को देना चाहिए। तो उनका कहना रहता है कि भाई घर में जाने के क्या फ़ायदा, उसका भी मुंह फूला हुआ रहता है, लेकिन वो मुंह क्यों फूला रहता है, क्योंकि आप टाइम नहीं देते हो। वो आपका टाइम भी मस्त है, आपका घर में ध्यान देना भी मस्त है, तो उस कारण से वो ना उसके फ्रेंड रहते हैं, और उसका अगर जॉब रहता तो वो भी अपने जॉब से आती है तो वो भी थक के आती है, तो वो भी कहना चाहती है कि मैं आज दिन भर मैंने क्या किया, वो भी सुनना चाहती है, लेकिन एक दूसरे का कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है कि मन में जो बातें रहती है, छोटी छोटी इच्छाएं रहती है, वो पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से एक घर कर जाता है, मतलब बीबी हस्बैंड वाइफ का अगर मैं सोचती हूँ तो वो घर इतना हो जाता है कि एक दिन ऐसा लगता है कि ये नहीं आया सामने तो चलेगा। तो दोनों के लिए वैसा होता है, मतलब जेंट्स भी वही सोचता है कि यार मैं उसका मुंह ना देखूँ तो अच्छा होगा, लेकिन दोनों का प्रॉब्लम कुछ नहीं रहता, थोड़ा वक्त देना है, बातें सुलझ जाती है, घर में क्या है, क्या कैसा मैनेज करना है, छोटे पैसे में भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बात करना ज़रूरी है, वो बात ही नहीं होती है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी वैशाली मैडम इन्होंने दी। इनका ये कहना है कि कोऑर्डिनेशन जो सही नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते इस प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और कई परिवार आपस में उनमें टकराव होता है, और एक दूजे के लिए जो रस्में कस्में खाते हैं, मेड फॉर ईच अदर जो कहलाते हैं, ऐसी बातों की वजह से वे कहीं ना कहीं अलग गिर जाते हैं, अलग होते रहते हैं। ऐसे में सभी ने सभी के भावनाओं का आदर करना बेहद ज़रूरी है और समय देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैडम का कहना है। मैडम, जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल ये है कि जिस तरह से वकील हो, विधायक हो, सांसद हो या पार्षद हो या जनरल आम आदमी हो, नागरिक हो, वकील हो या विद्यार्थी हो, ये कोरोना को लेके बड़े आत्महत्या करने पे उतारू हुए हैं और कई लोगों ने आत्महत्या भी की है। हाल ही में अभी एक आज की घटना है कि जिस प्रकार से मानेवाड़ा चौक में एक ड्रम बजाने वाले ऑर्केस्ट्रा के एक कलाकार ने ऑल आउट ये मच्छर मारने की जो दवाई वो पी ली थी और उसके बाद उसका इलाज भी अभी जारी है अस्पताल में, तो क्या कोरोना के वजह से हुआ है कि उनके मानसिकता में कुछ फ़र्क गिरा है? नहीं, मानसिक कोरोना के वजह से तो बहुत मानसिकता में फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि डर पैदा किया है।
एक्चुअली डिसीज आने वाले हैं, आएंगे और रहेंगे भी। हम लोग हर एक डिसीज को डर नहीं सकते, और वायरस ऐसे है कि हज़ारों लाखों करोड़ों वायरस है, हर रोज़ एक नया वायरस आता है, हमको उसको फेस करने के लिए आज हमको ज़रूरत है। मतलब आप मेडिकल या कहीं पे भी जाओ तो पेशेंट हर रोज़ बहुत सारे मरते हैं, लेकिन ऐसे कोरोना ने कैसे एक दहशत निर्माण कर दिए, दहशत की वजह से कि मुझे कोरोना, मतलब कोरोना तो वो छूछेत हो गए, मतलब हाथ नहीं लगाना, उसको मिलना नहीं है, देखना नहीं। भाई डॉक्टर भी तो काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उस टाइम मेरे हस्बैंड और हम लोगों ने किट पहुँचाई, पेशेंट को देखे है, पेशेंट को रेफ़र किया इधर उधर, मतलब जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जो भावनात्मक ट्रीटमेंट होना चाहिए। या बच्चा माँ के पास आ नहीं सकता, एक इंसान, इनका इंसान का बच्चा है तो इंसान के पास ही जाएगा, लेकिन उसको इतना दूर रखा जा रहा है कि वो उसके वजह से उसको टेंशन आ रही है कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं भी अकेला पड़ जाऊँगा। तो ये जो आज की जो केस है, तो उसके पापा एक्चुअली कोरोना की वजह से डेड हो चुके थे, उसकी माँ भी पॉजिटिव निकली, तो उसको वो भी डर बीच में होगा कि मुझे, मैंने अगर टेस्ट की थी मुझे भी हो जाएगा, अगर मैं पॉजिटिव निकले तो मेरे पास भी कोई नहीं आएंगे, या ये तो है बाकी का आर्थिक तो है उसका, लेकिन डर ये पैदा हो गया कि मैं अकेला पड़ूंगा। तो उस वजह से, क्योंकि पापा का कुछ ही हाल दिन पहले उनका डेथ हो चुकी थी, अभी मैंने उनसे बात की, मैंने केशव हॉस्पिटल के उससे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसके पापा की मौत हो चुकी थी करके, और माँ भी पॉजिटिव है करके। मैडम ऐसे होगा तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जिस दिन जाना है वो तो दिन ठहरा हुआ है, जैसे आते हैं तो उस कुछ दिन, एक दिन तो जाना ही अपन को, लेकिन आज के इससे डर के आपका सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम डरते हैं ना, तो उसका एक सिक्रेशन शरीर में होता है, तो वो डर पैदा करता है, तो इम्यूनिटी आपका कम करता है, डर आपकी इम्यूनिटी कम करता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी, आपको लगता है कि मुझे स्ट्रांग रखना चाहिए, तो पहले डरो मत, इससे बाहर निकलो कि भाई जिस दिन मुझे मेरा टिकट कटवाएगा उस दिन तो मुझे जाना ही है, लेकिन आज हर रोज़ क्यों मरे हम? तो वो डर यहाँ से, और कोरोना से मरने का रेट बहुत ही कम है, लूज मोशन से मरने वाला ज़्यादा रेट है लगे तो, लेकिन कोरोना की वजह से कम मर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे लोग, क्योंकि इसका, इसको कोरोना से उसकी मौत हो गई, मतलब गांव के हर एक न्यूज़ आता है, इसका हो गया, उसका हो गया, तो मेरा नंबर भी आ सकता है, ये डर के वजह से वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे लोग। तो डर के आगे जीत होती है, किसी ने भी डरने की ज़रूरत नहीं, खुद को संभालना होगा, अपना विल पावर को मजबूत करना होगा, ये तभी संभव होगा। जैसे कि योगा प्राणायाम, जो भी व्यायाम कर सकते हैं उन्होंने करना चाहिए, अपने विल पावर को मजबूत करना चाहिए, और मौत को गले लगाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मौत को गले लगाने वाला तो लगा देता है, मगर उसके बाद उसके परिजनों की काफ़ी लचर हालत होती है, आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद ख़राब हालत में वो अपनी ज़िंदगी काटते रहते हैं। ऐसे समय में मौत को गले लगाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं, बल्कि संघर्ष करना यही एक सॉल्यूशन है। और संघर्ष तो हर किसी के जीवन में, आप दर्शक आपके भी जीवन में है, यहाँ पे जो मोहतरमा मैडम जो है, डॉक्टर वैशाली आगलावे राउत मैडम, इनको भी संघर्ष करना पड़ता है, सभी दुनिया को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष करना चाहिए ताकि उसमें से कुछ जीत हासिल हो सके, मगर कुछ भी ना करते हुए सिर्फ मौत को गले लगाना ये बराबर बात नहीं है। किसी ने भी मौत को गले लगाना नहीं चाहिए, या फिर कोई किसी भी प्रकार का जहर या फांसी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोरोना को रोकथाम करना है और कोरोना से दो हाथ करना है तो यकीनन हमें मजबूत होना पड़ेगा, यही समय की मांग है। तो दर्शकों, आप थी हमारे साथ में काउंसिलर डॉक्टर वैशाली आगलावे राउत मैडम, जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। अगली बार फिर ऐसे किसी विषय को लेकर फिर हम डॉक्टर वैशाली राउत मैडम से रूबरू होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।